तो व्यक्ति का झुकाव आध्यात्म की ओर ज्यादा होता है। 12वें भाव में शनि देर से विवाह होने का कारण बनाता है। ऐसे लोगों का स्वभाव खर्चीला हो सकता है। काम को लेकर के व्यक्ति थोड़ा लापरवाह हो सकता है। दोस्तों से मतभेद हो सकते हैं। सेहत भी कमजोर रह सकती है। और शुक्र अगर 12वें भाव में होगा तो ऐसा आदमी ज़्यादा ही खर्चीला होगा। ऐसे लोगों के दिमाग में शॉपिंग का कीड़ा होता है। अगर इनके पास क्रेडिट कार्ड है तो बेवजह भी ये जा करके शॉपिंग करेंगे और एक दिन अपने को बुरी परिस्थितियों में उलझा लेंगे। बेवजह अपने को बुरी परिस्थितियों में उलझा लेंगे। इसलिए अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र शनि है तो अपने मन को समझाइए, बहुत जरूरी होने पर ही शॉपिंग करिए। केवल शौक के लिए शॉपिंग मत करिए कि शॉपिंग करना है, ये भी एक काम है, इसलिए मत करिए। जरूरत की चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन को व्यवस्थित रख पाएंगे। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, ऐसा होता है जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर कुंडली में शुक्र और शनि का युति है, अगर वो बुरे प्रभाव डाल रहे हैं, तो उपाय की बात करें तो क्या शुक्र का उपाय करना चाहिए या शनि का उपाय करना? दोनों का उपाय करना चाहिए। अच्छा, दोनों का करना चाहिए। दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का दोनों का 10-10 पाठ करना शुरू कर दीजिए। शुक्र शनि का दुष्प्रभाव फुर्र हो जाएगा। 10 पाठ पहले दुर्गा चालीसा का करिए, माँ भगवती आपको ऊर्जा दें, और फिर हनुमान जी का 10 पाठ करिए, हनुमान जी आपको ऊर्जा दें। 100 दिन तक लगातार उपाय करिए। शुक्र शनि की युति कितनी भी अशुभ हो, लेकिन वो आपके जीवन पर मतलब कि प्रभावहीन हो जाएगी। देखिए, पंडित जी ने वो महा उपाय भी बता दिए और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये पंडित जी ने अभी बताई। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार।